गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वेरियस टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मीन्स आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखने जा रहे हैं, है ना। डिविजिबिलिटी रूल का मतलब हम कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, मतलब कोई नंबर दिया हुआ है तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर दो से डिविजिबल है या नहीं, तो उसका हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं। हाउ टू वी नो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई टू और थ्री और फोर और अनदर थिंग्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, ओके। तो इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई टू, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई संख्या, कोई नंबर जो है दो से डिविजिबल है या नहीं, उसके बारे में हम लोग पता करेंगे। तो देखिए, हम एग्जांपल देके पहले समझाते हैं। सपोज अगर हमारे कोई नंबर हैं 2, 4 लिए हैं, पहले छोटा नंबर लिए हैं, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। कैसे हम लोग जाने कि 2 से डिविजिबल है, तो याद रखिएगा वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट, यहाँ देखनी है क्या, वैसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट है ना क्या हो, यानी कि द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज क्या, जीरो, टू, फोर, सिक्स और एट, है ना, एंड एट। इतना में से कोई भी नंबर अगर लास्ट में हो तो संख्या दो से डिविजिबल होगा। तो दो से कटने का क्या रूल्स हैं कि अगर कोई संख्या का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो नंबर जो है डिविजिबल होगा 2 से, ओके। मीन्स इफ़ एनी नंबर्स हैव द लास्ट डिजिट मीन्स वंस प्लेस डिजिट इज 0, 2, 4 और 6, दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो ये 2 से डिविजिबल हो या होगा या नहीं, होगा ना, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल। अब मान लीजिए ए, यानी इट इज डिविजिबल, है ना, इट इज डिविजिबल बाय, ओके। अब मान लीजिए हम दे दिए क्वेश्चंस कि 2, 4, 6, 8, 9 कुछ भी इस तरह से हम दे ले जा रहे हैं, है ना, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज द लास्ट डिजिट इज 2, ओके ओके। अब हम लोग दूसरा टेस्ट पढ़ते हैं, यानी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 2, 4 और 3 ये नंबर दिया हुआ है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, है ना, तो कैसे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये दिया हुआ नंबर को ऐड कर लेंगे, यानी 3 से डिविजिबल का रूल्स क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स, है ना, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, है ना, गिवन नंबर्स, क्लियर, बाय 3, क्लियर है। यहाँ पर हमारा दिया हुआ नंबर क्या है, 2, 4, 6, 2, 4, 3, तो 2 + 4 + 3, और अगर ये डिवाइड कर दिए 3 से, अगर पूरा डिविजिबल हो जाता, जैसे 2 + 4 6 + 3 9,
नाइन थ्री से डिविजिबल है, यस। तो ये नंबर क्या होगा, यानी ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा, मैंने ये नंबर थ्री से डिविजिबल होगा तो यस, ओके, यस इट इज, इट इज डिविजिबल बाय, ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय फोर, फोर, ओके। कोई नंबर आपको पूछे कि ये फोर से डिविजिबल है तो है या नहीं, तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो फोर से डिविजिबल करने के लिए है ना, फोर से डिविजिबल अगर इफ़ द लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय फोर ऑफ द गिवन नंबर, है ना। अगर कोई एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए नंबर देते हैं, है ना, जैसे लिख देते हैं 3 4 6 3 4 8 मान लीजिए दे दिए, ओके, तो इसका लास्ट टू डिजिट देखना है। फोर से डिविजिबल के लिए क्या देखना है, लास्ट टू डिजिट, अगर लास्ट टू डिजिट जो है फोर से डिविजिबल हो तो वो नंबर क्या होगा, फोर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर है। जैसे यहाँ पर 48 है तो 48 तो फोर से डिविजिबल होगा ही, होगा ना, तो जब ये फोर से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर जो है पूरी पूरी फोर से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, क्लियर है, क्लियर है। जैसे 48 को हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं फोर से डिविजिबल है, यस, 4 1 4 है ना, 4 2 8, यस, तो ये पूरा डिविजिबल है 48, यानी लास्ट टू डिजिट डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी 348 इज डिविजिबल बाय, कोई दिक्कत, तो इसका टेस्ट रूल्स क्या है, इफ द लास्ट टू डिजिट, इफ द लास्ट टू डिजिट है ना, लास्ट टू डिजिट इज, टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय बाय फोर, देन नंबर इज, नंबर इज कंप्लीटली, कंप्लीटली डिविजिबल बाय बाय फोर, समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्या है, क्लियर है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय फाइव। देखिए फाइव से डिविजिबिलिटी का बहुत इजी रूल है, कैसे, इफ द यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट बी जीरो और फाइव, है ना, अगर यूनिट प्लेस डिजिट जो है जीरो और फाइव हो तो नंबर पूरी तरीके से फाइव से डिविजिबल होगा। एग्जांपल पे लिए लिख देते हैं, मान लीजिए आपके सामने लिखे 2 4 5, ये फाइव से डिविजिबल है, कैसे, क्योंकि लास्ट डिजिट फाइव है। अगर बोल दिए 3 4 0, ये डिविजिबल है, ओके, ओके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। कंपटीशन के एग्जाम जब भी हम लोग देते हैं तो उस समय ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसका कैसे कौन नंबर किस नंबर से डिवाइड कर होगा, है ना, यानी कि ये मैथमेटिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये जानना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के समय भी इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल्स जो पढ़ेंगे वो टू के लिए, है ना, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर टू, है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई नंबर जो है कि दो से
डिविजिबल होगा. हाउ टू वी नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाई टू और नॉट, हाउ टू वी नो. तो इसके लिए क्या क्या है कि इफ द यूनिट डिजिट है ना इज 0, 2, 4, 6, 8 है ना. यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होगा तो वो नंबर आपका पूरा टू से डिविजिबल होगा. एग्जांपल्स के लिए अगर हम लोग लिख लेते हैं तो आप लोग से पूछेंगे बताइए 24 ये टू से डिविजिबल है? यस सर. बोलिएगा यस. ओके क्यों हम लोग बोलेंगे? क्योंकि यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 4. ओके अब हम लोग 3 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल्स पढ़ेंगे. टेस्ट डिविजिबिलिटी बाई 3 है ना. तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स है ना बाई सम ऑफ द डिजिट्स का मतलब जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं. आपके पास लिखते हैं 2, 3, 6 ये नंबर जो है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं. तो बहुत आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कैसे. हम लोग बोल रहे हैं सम यानी 2+ है डिविजिबल? नो यानी इट इज नॉट. 2, 6 इज डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल बाय 3 है ना. अगर यही लिख देंगे हम लोग क्या 2, 3 क्या 4 2, 3, 4 ये डिविजिबल है? तो इसको हम लोग करेंगे 2+3+4/3 9/3 यानी कट जाएगा तो ये 3 कट गया यानी कि ये क्या होगा डिविजिबल होगा यानी यस इट इज अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि सर ये तो डिविजिबल है ये तो हम चलो डिवाइड करके देख लेते हैं 236 को 3 से. तो 3 7 21 यहाँ कितना बदल गया 26 अभी कितना बार लग गया ना रिमाइंडर बच गया ना 2 ये डिविजिबल नहीं. क्लियर है? अगर इसको हम लोग चेक करते हैं कि डिविजिबल है या नहीं तो चलिए देख लेते हैं. अरे भाई 234 3 7 times 21 2 4 8 times 24 क्लियर है? यस सर. तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल्स 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स कंप्लीट हो गया. अब हम लोग 2, 3 के बाद अब हम लोग 4 की बात करते हैं. है ना 4 से डिविजिबिलिटी मींस इफ द लास्ट 2 डिजिट इज आर डिविजिबल बाय 4 है ना देन कंप्लीट देन नंबर इज डिविजिबल बाय. जैसे एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं 2, 4, 5, 6 ए 4 से डिविजिबल है तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखना है. यस 56 क्या डिविजिबल होता है 4 से? यस सर. यस सर. 4 1 4 1 6 4 4 14 yes 14 times complete होगा means 2456 each completely divisible by 4. ये भी चेक कर लेते हैं डिवाइड करके. चलिए देख लेते हैं 2, 4, 5, 6 4 से डिवाइड करके कितना टाइम्स लगेगा. 5 उतरा 1 टाइम्स 4, 4, 16 कट गया यानी कि ये पूरा डिविजिबल था. एनी प्रॉब्लम? अगर आप लोग से हम क्वेश्चन पूछे तो ये क्या हो गया 4 से डिविजिबल है? यस यस. अब आप लोग बताइएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना
ये है फोर से डिविजिबल? यस सर। ये है फोर से डिविजिबल? यस यस सर। यस ये है फोर से डिविजिबल? यस सर। यस सर। लास्ट टू डिजिट कितना हुआ? फोर ओनली ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग फाइव से डिविजिबिलिटी रूल्स सीखेंगे। हाउ टू बी डिवाइड फाइव, फाइव से डिविजिबिलिटी रूल्स। द लास्ट डिजिट, द लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट बी जीरो और फाइव। नंबर इज डिविजिबल बाय फाइव। बताइए एग्जांपल्स। वन टू थ्री फोर फाइव। यस सर। यस इज डिविजिबल बाय वन जीरो 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 जीरो। यस सर। यस मीन्स बोथ आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय फाइव। क्लियर? अब हम लोग सिक्स से डिविजिबल के बारे में बात करेंगे। हाउ टू बी नो एनी नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स। सिक्स सिक्स से डिविजिबल बाय टू एंड थ्री, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय सिक्स। मतलब जो संख्या दो और तीन दोनों से कट जाएगा वो संख्या सिक्स से भी कट जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 24 ले लिए, ए टू से भी डिविजिबल है और थ्री से भी डिविजिबल है, तो एट क्या होगा? सिक्स से भी डिविजिबल हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बोलिए। अब सेवन से डिविजिबल के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि सेवन से कैसे हम लोग जानेंगे कि कोई नंबर सेवन से डिविजिबल है या नहीं, है ना? तो देखिए सेवन से डिविजिबल कैसे जानेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 672, तो कह रहा है इसका यूनिट डिजिट का डबल कर करके जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, यानी 67 में इसका डबल यानी 2 into 2 अगर घटाने के बाद कितना आएगा? 63। जो आया नंबर वो 7 से डिविजिबल हो जाता है, तो पूरा नंबर क्या होगा? 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5341। ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट नंबर को जो है कि दो बार गुना करना है, यानी कि यूनिट डिजिट छोड़ के कितना बचा इसको 2 into 1 कर देंगे तो 53 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना सॉल्व करने के बाद। तो ये देखते हैं 7 से डिविजिबल है कि नहीं। है ना? पूरा कट गया ये नंबर, तो ये भी नंबर पूरा क्या होगा? डिविजिबल होगा। क्लियर है? 7 से हो गया। अब 8 से डिविजिबल की बात करते हैं। 8 से एट से डिविजिबिलिटी रूल्स। लास्ट थ्री डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय एट मींस देन इट इज डिविजिबल। जैसे अगर लास्ट थ्री डिजिट नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास है कोई एक नंबर, है ना, जैसे ले लेते हैं हम क्या, आपके पास ले लेते हैं 1 2 3। सर वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 10 मिनट का भी। ओ 1 मिनट। 1 2 3 4 है ना। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल आपको ले लेते हैं 49104 है ना। ये नंबर 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं? तो लास्ट थ्री डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है, 10 है ना। 8 से डिवाइड करके देख लीजिए 104 1824 है ना डिविजिबल। यस सर। ये पूरा नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। एनी प्रॉब्लम? 9 से डिविजिबल के लिए टोटल को सम करके 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके ओके ओके।